अनुकंपा नियुक्ति के लिए चार साल से भटक रहे माँ बेटे ने अपनी मांग को लेकर दुर्ग कलेक्ट्रेट के पोर्च पर बैठकर दिया धरना। यातायात विभाग के कर्मचारी का पुत्र आर्थिक तंगी की मार झेल रहा, काट रहा मंत्री और अधिकारियों के दफ्तर का चक्कर। हताश होकर माँ बेटे धरने पर बैठे। दुर्ग यातायात विभाग में कार्यरत स्वर्गीय बख्शी सिंह की आकस्मिक मौत के बाद उनका पुत्र जगजीत सिंह खुर्सीपार निवासी, जो पिछले चार वर्षों से अनुकंपा नियुक्ति के लिए दर दर भटकने के बाद भी पिछले दिनों दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी मांग के लिए दुर्ग जिलाधीश से गुहार लगाई थी, जिससे असंतुष्ट जवाब मिलने से नाराज पीड़ित परिवार बुधवार को कलेक्ट्रेट के पोर्च पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर अपनी अनुकंपा नियुक्ति की मांग करते नजर आया। हालांकि इस पीड़ित परिवार को राज्य शासन द्वारा अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के लिए पत्र जारी कर दिया गया है और शहर के विधायक सहित राज्य सचिव व प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगजीत सिंह की अनुकंपा नियुक्ति के लिए अनुशंसा जारी किया है। गौरतलब है कि इन सब के बावजूद ये पीड़ित परिवार के जगजीत सिंह ने बताया कि 1300 कुछ रुपए की पेंशन राशि मात्र से घर चलना मुश्किल होता जा रहा है। वृद्ध मां की तकलीफ देखकर आज पीड़ित परिवार ने कलेक्ट्रेट के दर पर बैठने का मन बनाया है। इस संबंध में न्यूज टीम को पीड़ित जगजीत सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पिताजी मेरे गुजरे जो शासकीय कर्मचारी थे, दुर्ग जिला में जिला बल में कार्यरत थे चालक के पद पे, उनका निधन हुए चार वर्ष हो चुके। आज दिनांक तक हमें अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली, सिर्फ लिखित आश्वासन। न्यायालय का आदेश हो गया उच्च न्यायालय बिलासपुर का, माननीय सीएम जी ने इसमें, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इसमें सब कुछ तय कर दिया भाई, गाइडलाइंस बना दी हैं कि आपको किन प्राधिकरणों में निगमों में पात्रता के अनुसार किन किन पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दी जानी है, वो माननीय भूपेश बघेल जी ने तय कर दिया। उसके बाद भी, और जबकि छत्तीसगढ़ राज्य में हजारों की संख्या में लोगों को अनुकंपा नियुक्ति मिल रही, और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश हुए, दो वर्ष बीत चुके हैं, आज दिनांक तक हमें केवल और केवल धक्के मिल रहे हैं। कभी हम जिला कलेक्टर के यहाँ धक्के खाते हैं, कभी मंत्रालय में धक्के खाते हैं, कभी किसी मंत्री के यहाँ धक्के खाते हैं, केवल झूठे आश्वासन। बस क्या चाहिए, हो जाएंगे, अंतिम सांस थी दे दो, आदेश कर दो, हम उठ जाएंगे यहाँ से। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।